इस पृथ्वी पर पृथ्वी की सबसे महान तकनीक मानव तंत्र है। जो लोग कभी यूजर मैनुअल नहीं पढ़ते वो अपने शरीर और मन से दुखी है। ठीक है, अगला सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो थोड़ा अशिष्ट लग सकता है और मैं माफी चाहता हूँ। मैं अपनी मृत्यु के बारे में सोचने लगा और वो सब कुछ जो मैं अपनी मृत्यु से पहले करना चाहता हूँ। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप पूछ रहे हैं मैं मरा क्यों नहीं? देश का सारा वामपंथ हमेशा आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता है। आप उस स्थिति में क्या करते हैं जब आप इतना अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हो और लोग आपको गलत समझते हैं? दुर्भाग्य से इसमें काफी समय, ऊर्जा और संसाधन लगते हैं, लेकिन देखिए वो भी संदेश को आगे ही बढ़ाते हैं। आध्यात्मिक होने का एक बड़ा पहलू मेरे ख्याल से प्रेममय होना। कुत्ते बड़े आध्यात्मिक होते हैं, क्या आप यही कह रहे हैं? कुत्ते बहुत प्यार करते हैं। मुझे उस 30,000 किलोमीटर की बाइक राइड के बारे में पूछना है। 30,000 किलोमीटर मजाक नहीं है। शायद ये योगियों जैसी पीठ के लिए एक अच्छा विज्ञापन होगा। अगर आप मुझे 2.5 करोड़ अर्थ बडीज दिला दें, मैं आपको राइड पे ले जाऊंगा। बस मुझे लगता है ये मेरे जीवन के सबसे आकर्षक पलों में से एक बन चुका है, प्रकृति के बीचों बीच आपसे बात करना। तो आप जानते हैं, मैंने पिछली बार आपसे इस तरह 2018 में बात की थी। मुझे लगता है जैसे उस समय मैं बच्चा था। मुझे लगता है अब मैं बच्चे से थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। लेकिन उस रात, मेरा मतलब है उस बातचीत का, मुझ पर इतना गहरा असर हुआ क्योंकि आपने जिस तरह से मेरे सवालों के जवाब दिए, जैसे जवाब आपने दिए, मुझे वो जवाब दिए जिनकी ठीक उसी समय मुझे जरूरत थी। और उस रात मुझे वास्तव में आपका एक सपना आया था। इस बार मैं आपको एक अडल्ट मानकर चलूंगा। खुश हूँ कि आपके बगल में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ता आप कैसे बर्ताव करते हैं। मेरे साथ यही होता है, चाहे लोग 70 साल के हों, मैं उनसे बच्चों की तरह बर्ताव करता हूँ और वो धीरे धीरे मेरे साथ वैसे ही बन जाते हैं। सारी बात यही है, समय के साथ लोग पपड़ीदार हो जाते हैं। जीवन के साथ बस यही बात है कि आप समय के साथ पपड़ीदार और जंग खाए हुए ना हो जाएं। नहीं, मैं मानता हूँ मैं अब भी आपसे एक बच्चे की तरह बर्ताव करूंगा। ठीक है, खुश और खुशकिस्मत हूँ कि मुझसे बच्चे जैसा बर्ताव किया जा रहा है। सद्गुरु, मेरा दिल टूट जाता है कि यहाँ मैं आपके साथ इतना खूबसूरत क्षण जी रहा हूँ और हमारी दुनिया अभी एक युद्ध के बीचों बीच है। दुनिया नहीं, सिर्फ दो देश। दो देश? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे बहुत तूल न दें, क्योंकि हमें कभी उस दिशा में नहीं जाना चाहिए। दो विश्वयुद्ध हुए हैं, हमें कभी भी उस दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए। टकराव नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो हो भी जाए तो कम से कम उसे सीमित रखना चाहिए। हर किसी को उसमें कूद नहीं पड़ना चाहिए। आपके ख्याल से उन चंद लोगों के दिमाग में क्या चलता होगा, मतलब जो लोग निर्णय लेते हैं? आप जानते बूझते युद्ध में क्यों जाएंगे? इसके कारण सिर्फ आर्थिक नहीं हो सकते। मुझे लगता है इसमें अहम यानी ईगो का मामला भी हो सकता है। देखिए, ये बहुत बेकार फैसले हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हम सभी की जड़ें पहचान की हमारी मजबूत भावना में गड़ी हुई हैं और हम चाहते हैं कि हमारी पहचान किसी और की पहचान पर हावी हो। तो राष्ट्रवाद एक बहुत मजबूत पहचान है। इस पहचान को सोच समझकर बनाया जाता है और इस हद तक उसे बढ़ावा दिया जाता है कि आप अपने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। इसे हमेशा एक महान गुण माना जाता है। अगर मैं अपने देश के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हूं, तो उसके लिए आपका जीवन लेने के लिए भी तैयार हूं। वो एक कुदरती प्रक्रिया है, चाहे वो देश हो, नस्ल, धर्म, जाति, वर्ग या यहाँ तक कि आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी। अगर आप गैर जरूरी पहचान रखते हैं तो आप अनावश्यक टकराव और संघर्ष में पड़ेंगे। सदगुरु, लेकिन क्या पहचान ईगो के लिए दूसरा शब्द नहीं है? जैसे मैं हाल ही में ईगो के इस कॉन्सेप्ट के बारे में काफी सोचता रहता हूँ। आप जितना ज्यादा सोचते हैं। देखिए, जब आप कहते हैं कि ये ईगो का एक कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब इसे आपने गढ़ा है। आपने उसे क्यों गढ़ा है? ठीक है, सही है। इससे जुड़ा हुआ सवाल। मैंने उसे नहीं गढ़ा तो मेरे पास वो नहीं है। ये उस तरह के जवाब है जो मेरे दिमाग के साथ खेलते हैं। और मैं अगले सवाल के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उससे पूछूंगा। तो ठीक है, अगला सवाल दूसरे तरह का विचार है जो इस दुनिया में मुझे काफ़ी आकर्षित करता है और एक तरह से अभी भी इस समय के बारे में खट्टा मीठा सा एहसास देता है जिसमें हम रहते हैं। यह है जेन जी के बारे में, मतलब जेनरेशन जेड, जिसका मतलब है वे बच्चे जो अगर आप जेनरेशन जेड हैं, ये कभी मत कहिए, क्योंकि इसका मतलब है आप आखिरी पीढ़ी हैं। ये एक चीज़ है जिसे मैं टालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप आखिरी पीढ़ी ना बने।
जेन जेड का क्या मतलब है? जेड आखिरी शब्द है, आखिरी अल्फाबेट। कल्चरली मैं एक मिलेनियल हूँ क्योंकि मैं 97 से पहले पैदा हुआ हूँ। प्री 97। मैं भी 20वीं सदी का मिलेनियल हूँ। No, I think आप किस सदी की बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल से वो कल्चरल टर्म्स है जो दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन जेड शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, इसका मतलब है आप आखिरी पीढ़ी हैं, वो मत बनिए। ठीक है, हम आपको जेन ए बुलाएंगे। मेरे ख्याल से अगले को जेन अल्फा कहा जाएगा। बस हम शुरुआत में वापस जाते हैं। अच्छा, ये अक्षर गोल गोल घूम रहे हैं। सर तो मैं एक बार जब आप अक्षर सीख लेते हैं तो आपको शब्दों में जाना चाहिए, जब आप शब्द जान लें तो आपको वाक्यों में जाना चाहिए, जब आप वाक्य जान जाएं तो आपको साहित्य में जाना चाहिए। अक्षरों को दोहराते मत रहिए। मैं काफी सारे जेन जी और कुछ जेन अल्फा के साथ काम करता हूँ, मैं उनके बारे में इस बात पर उन्हें एक अलग नाम खोजने के लिए कही है। जेन जेड खतरनाक है, इसका मतलब है कि आप आखिरी पीढ़ी हैं, ऐसा मत कहिए। मुझे लगता है कि एक बढ़िया नाम है शायद युवा के रूप में हमारे दिमाग में, लेकिन जो भी हो सर, तो एक चीज जो मैं उनके बारे में गौर करता हूँ वो ये है कि वो बहुत ही बुद्धिमान है, उससे ज्यादा बुद्धिमान जो मेरी पीढ़ी उस उम्र में थी 17-19। और आप कुछ 13-14 साल के बच्चों से बात कीजिए, वे इस जेन जी पीढ़ी से भी ज्यादा होशियार हैं। तो मैं उन्हें खुशकिस्मत और थोड़े शापित की तरह देखता हूँ। शापित इसलिए क्योंकि हम वायरस के समय में रह रहे हैं, हम इस घटना के समय जीवित हैं जिसके बारे में हमने बात की, जैसे युद्ध, और फिर हम पर्यावरण क्षति या इकोलॉजिकल डैमेज के समय में भी रह रहे हैं। जेन जी और जेन अल्फा के बारे में अच्छी चीज ये है कि वे पर्यावरण को लेकर ज्यादा जागरूक है, वे ज्यादा बुद्धिमान है, वे कहीं ज्यादा स्मार्ट है, वे जानते हैं कि तकनीक, डिजाइन, सोशल मीडिया को बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूँ इस दुनिया में उनकी जिंदगी के बारे में सोचता हूँ, वे किस तरह की दुनिया की तरफ जा रहे हैं। देखिए, हर पीढ़ी का ये सोचना है कि वो खास हैं, बहुत बुरी बात है। दुर्भाग्य से हर पीढ़ी को लगता है कि वो खास हैं। हम 60 के दशक से आए हैं, 60 के दशक के लोग सोचते हैं कि वो वाकई खास लोग हैं। और वो एक आपदा बन गए हैं। उस दिशा में मत जाइए, क्योंकि ये चीज़, ये सोचना कि ये पीढ़ी ज़्यादा बुद्धिमान है, वो पीढ़ी ज़्यादा जागरूक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, आपको स्मार्ट होना होगा, मेरी पीढ़ी स्मार्ट है, इसका क्या मतलब है? आप स्मार्ट हैं या बुद्धू, यही सवाल मायने रखता है ना? आप जागरूक हैं या नहीं, क्या यही? अरे नहीं, हमारी पीढ़ी ज्यादा जागरूक है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये एक पूरी, लोग हजारों अलग अलग तरीके खोज लेते हैं कि इंसान होने की मूलभूत जिम्मेदारी को कैसे किसी और चीज पर, किसी और इंसान पर डाल दिया जाए। आप बता रहे हैं कि जेन जेड अपने फोन को मुझसे बेहतर हैंडल कर सकते हैं, हो सकता है ये सच हो क्योंकि वो इसी के साथ जन्मे हैं। मैं किसी भी जेन जेड से ज्यादा बेहतर पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, शायद अभी भी मैं उनसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं अधिकांश जेन जेड से बेहतर मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। तो क्या हो गया? मैं कहता हूँ, हमारे समय में हमारे पास जो भी उपलब्ध था हम उसमें अच्छे हो गए, उससे हम ज्यादा स्मार्ट नहीं बन जाते। फिर भी वे किस दुनिया की तरफ जा रहे हैं? जैसे आपके ख्याल से अगले 10-20 सालों में हमारे लिए क्या है? देखिए, अगर वो सिर्फ अपने फोन स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन को ही देख रहे हैं तो एक दिन दीवार में जाकर टकराएंगे। आपको ऊपर देखने की जरूरत है कि आसपास जीवन किधर जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। आप तकनीक और स्क्रीन स्पेस को गलती से वास्तविकता समझ रहे हैं। नहीं, ये तकनीक एक बहुत बढ़िया उपकरण है, अगर आप उसे जागरूकता में इस्तेमाल करें तो। अगर आप अचेतन हैं और उसे लेकर मजबूर हो जाएं, आजकल अमेरिका में टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है, ड्रग डी एडिक्शन की तरह टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन, लोग टेक्नोलॉजी को लेकर पागल हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी मेरे लिए बहुत फायदेमंद रही है, हम उससे 100 गुना ज्यादा काम कर रहे हैं जितना हम शायद 15-20 साल पहले कर रहे थे, सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण। मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन कोई है जो उससे दुखी है? मनुष्य अपने ही दिमाग से दुखी है ना? अगर उनके पास दिमाग नहीं होता तो वो शांति से रहते, क्योंकि उनके पास दिमाग है तो वो कह रहे हैं तनाव तनाव तनाव, क्योंकि आप नहीं जानते कि इस उच्चतम तकनीक को कैसे संभालें जो यहाँ है। इस धरती पर सबसे महान तकनीक मानव तंत्र है। जो लोग नहीं जानते कि उसे संभालना कैसे है, जिन लोगों ने कभी यूजर मैनुअल नहीं पढ़ा, वो अपने शरीर और अपने मन से दुखी हैं। मेरे पास इसके बारे में 2 सवाल हैं। यस सर।
पहला है, क्या आप इस सारे मेटावर्स रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं जो हो रहा है? और दूसरा, वो रेवोल्यूशन नहीं है। मैंने मेटावर्स के बारे में सुना है, मैं जानता हूँ मेटावर्स। हाँ, ये वर्चुअल रियलिटी जैसा वर्स। That's... यही सवाल उससे जुड़ा है, वो दूसरा सवाल। मैं है। किसी तकनीक के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसके पक्ष में हूँ। सिर्फ अगर आप जानते हैं कि उसे होश में कैसे संभालना है। देखिए, अभी क्या ये मेटावर्स नहीं है? हेलो, वही सवाल था। जैसे आप जानते हैं, मैं आशा करता हूँ कि भविष्य की तकनीकें हमें प्रकृति से दूर ना कर दें, क्योंकि हम एक खूबसूरत सभ्यता में रह रहे हैं। क्योंकि आप VR चश्मे पहने होंगे और आप दुनिया को बिल्कुल देखेंगे ही नहीं। देखिए, अभी फिलहाल अगर आप इस पर पर्याप्त ध्यान दें, ये सुपर मेटावर्स है, मेरा विश्वास कीजिए। लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया है। मैं जंगलों में रहा हूँ, कई हफ्ते सिर्फ अकेले बिताए हैं। यहाँ जो हो रहा है वो सरल नहीं है। आज भी जब मैं मिट्टी की बात करता हूँ तो हर कोई कहता है, सदगुरु आप पर्यावरणविद कैसे बन गए, कहाँ से? मेरे ख्याल से खुद को एकोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट या जो भी ऐसा कुछ कहना बहुत भद्दा है। मैं एक वैज्ञानिक शब्दावली के रूप में नहीं कह रहा हूँ, आमतौर पर लोग खुद को बुलाते हैं, क्योंकि आप एकोलॉजी का एक हिस्सा हैं, आप पर्यावरण का एक हिस्सा हैं। आपने ये कैसे मान लिया कि आप उसे अलग हैं, ऊपर हैं और आप कुछ ठीक करने जा रहे हैं? आप उसका एक हिस्सा हैं, आप सिर्फ उसका एक नतीजा है, है ना? मिट्टी में जो हो रहा है और आप जो हैं, वो सिर्फ एक प्रतिबिंब है। वहां जो हो रहा है ये उसका एक नतीजा है। तो हम इस दूरी को सच मान लेते हैं, खासकर अगर आप हर समय ये VR चश्मे पहनकर घूमेंगे। आप कभी आसपास के जीवन को नहीं देख पाएंगे, ना अपने आसपास के जीवन का अनुभव कर पाएंगे। आपको बस एक तरह का साइकेडेलिक अनुभव हो रहा है। उस समय, मेरे समय में हर कोई LSD के साथ ऐसा कर रहा था। मेरे 12-13 दोस्त इन चीज़ों को करते हुए मर गए। मेरे ख्याल से वो हमेशा कहते थे, मैं अपनी मोटरसाइकिल पर खुद को मार लूँगा, लेकिन मैं अभी आई हूँ। उन्होंने ड्रग्स लिए और उन्हें लगा कि ये बेहतर है, क्योंकि उन्हें ऐसी दुनिया दिख रही थी जो थी ही नहीं, और उनमें से कई मारे गए, बाकी बीमार हो गए। तो वो केमिकल के साथ मेटावर्स कर रहे थे, आप तकनीक के साथ मेटावर्स कर रहे हैं। होगा बस ये कि आपका दिमाग विकृत हो जाएगा, क्योंकि मन उसका एक प्रतिबिंब है जो आपके सामने आता है। अगर आप सृष्टि की एकता और समरसता के सामने ज्यादा से ज्यादा होते हैं, तो आपका मन ऐसा ही हो जाएगा। इफ मोर एंड मोर यू आर एक्सपोज टू ऑल दिस एबरेशंस, हाउएवर ग्रेट इट इज इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग, इट्स एंटरटेनमेंट, मींस यू डू इट 1 or 2 hours, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इफ यू थिंक दैट इज अ न्यू वर्ल्ड, अगर आप इन सभी विकृतियों के सामने ज्यादा से ज्यादा आते हैं, चाहे वो रचना के मामले में कितना भी बढ़िया हो, ये मनोरंजन है। इसका मतलब है कि आप इसे 1-2 घंटे करें, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो एक नई दुनिया है, लोग मेटावर्स में रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, इससे और ज्यादा बेवकूफी की चीज नहीं हो सकती, ठीक है? देखिए, आप नकली दुनिया में एक रियल एस्टेट खरीदते हैं, फॉल्स एस्टेट, ये कोई रियल एस्टेट नहीं है। खासकर प्राजक्ता के साथ आपकी उस बातचीत के बाद जो मैंने सुनी, जिसमें आप एक तरह से निकट भविष्य से सच के अंश निकाल रहे थे, जहां आपने कहा कि दुनिया भर में मिट्टी में 90% जैविक तत्व नष्ट हो गए हैं। आप जानते हैं, आपने काफी कुछ आमतौर पर हमारी पृथ्वी की बर्बादी के बारे में बोला। मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन लोग नाव के छेदों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, वे बस नाव को और बड़ा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और आप जानते हैं, हम दुनिया के अरबपतियों की बात करते हैं, जैसे एलन मस्क, ये सारे लोग, वे मंगल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, वे टेरा फार्मिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारी धरती नष्ट हो रही है। इस मुद्दे पर जेन जी को ज्यादा बात करने की जरूरत है, माफ कीजिए जेन, जो भी जेन, पर युवाओं को इन सच्चाइयों का पता होना चाहिए। आप उन्हें जेड की जगह सी बुला सकते हैं, ज्यादा करीब अक्षर सी होगा, जेन कंफ्यूज्ड। ये कहना बहुत लोकप्रिय चीज नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है कि आप खुद पर लेबल ना लगाएं। पहले ही लोग आप पर कितने सारे लेबल लगा रहे हैं, आप भारतीय हैं, आप भूरे हैं, आप सफेद हैं, आप ये धर्म हैं, वो धर्म, वो जाति, ये वर्ग, तमाम बेकार लेबल वो आप पर लगा रहे हैं। खुद पर एक और लेबल मत लगाइए, क्योंकि हर लेबल किसी ना किसी रूप में आपके लिए रुकावट बनेगा, है ना? क्या नहीं बनेगा? हाँ, तो कोई लेबल मत लगाइए। Why don't you just live here as a living thing, breathe and exist?
and reverberate at the highest possible level. That's all you can do with life. आप क्यों नहीं यहाँ सिर्फ एक जीवित प्राणी की तरह रहते हैं? सांस लेना और जीना, जितना हो सके ऊंचे स्तर पर स्पंदित होना। आप जीवन के साथ इतना ही कर सकते हैं, बाकी सब आपकी कल्पना है। अपनी कल्पना को वास्तविकता मानने की गलती मत कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मनोवैज्ञानिक हकीकत को अस्तित्वगत हकीकत मान बैठेंगे तो आप अपने जीवन में काफी दुखी होंगे। लोगों के साथ यही हो रहा है, वो किस चीज से दुखी है? या कोई आपके बदन में सुइयां चुभ रहा है? नहीं, आप बस अपने मन से ही दुखी हैं, है ना? सबसे महान चीज जो इस धरती पर हुई है, अगर आप मुझसे पूछें, तकनीक और संभावना के मामले में, वो है मानव मन। लेकिन आप हर समय उससे दुखी हैं। और अगर मैं कहूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कल पैदा हुए हैं या 100 साल पहले पैदा हुए हैं, अगर आप अपने मन से दुखी हैं तो आप जेंसी हैं। हम आमतौर पर लोगों को मिट्टी बचाओ अभियान का हिस्सा बनने के लिए कैसे प्रेरित करें? प्राजक्ता के साथ आपकी बातचीत के बाद मुझे उसका महत्व समझ आ गया है। लेकिन मेरा सवाल शायद ये एक पूंजीवादी सवाल है, लेकिन हम असल में कैसे लोगों का ध्यान केंद्रित करके उन्हें बता सकते हैं, सुनो धरती पर ये गलत है? देखिए, पहली चीज ये कि युवा पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि खाना जमीन से आता है। आपका शरीर जो आप लेकर चलते हैं, जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ये ज़मीन से आता है। ये ज़मीन है, इसे ह्यूमन कहते हैं, क्योंकि ये ज़मीन में मौजूद ह्यूमस का नतीजा है। तो ये पता करने के लिए थोड़ा समय निकालिए कि आप जहाँ भी हैं वहाँ कितना ह्यूमस बाकी है। आप शहर में रहते हैं, सब कुछ पक्का है, ठीक है? पक्की ज़मीन और जुती हुई ज़मीन धरती पर आपदा है। ये बहुत ज़रूरी है। मिट्टी हर समय एक रिसाइकल है, वहाँ उसमें मृत जीवन जाता है और जीवन बाहर आता है। मिट्टी के बारे में सबसे चमत्कारी चीज़ ये है, मिट्टी का चमत्कार ही ये है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आप मृत्यु को बो सकते हैं और उसमें जीवन का अंकुरण होता है, जीवन फूटता है। यहाँ कोई मृत चीज़ दफना कर देखे और देखे कि कुछ ही दिनों में उसके आसपास कितना जीवन घटित होता है। मुझे बताइए, पूरे ब्रह्मांड में मुझे एक जगह दिखाइए जहाँ ये हो सकता है। तो फिलहाल जिस तरह की चीज़ों की लोग कल्पना कर रहे हैं, अपने मन में बना रहे हैं। अभी एक हफ्ते पहले एक व्यक्ति हैं जिनका एक स्टार्टअप है, ठीक है? अगर आप उन्हें $17 लाख दें तो जब आप मरेंगे उसकी बुकिंग अभी कर सकते हैं। जब आप मरेंगे, जब भी मरें, वो आपके शरीर को ले जाकर अंतरिक्ष में छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है और कोई माइक्रोबियल या सूक्ष्म जीवन नहीं है, तो आपका शरीर सड़ेगा नहीं, बस वैसे का वैसे ही रहेगा। लाखों सालों तक आपका शरीर अंतरिक्ष में तैर सकता है। शायद आप किसी अंतरिक्षयान की सवारी कर सकें। मैं कह रहा हूँ, आपके पास ये जो शरीर है वो मूल रूप से मिट्टी है। अगर आप कुछ भी इको फ्रेंडली नहीं करते तो कम से कम जब आप मरें तो उसे वापस ज़मीन में डाल दें जहाँ का वो है। हेलो, ये सबसे सरल चीज़ है जो आप कर सकते हैं, लेकिन आज वो इसे बक्सों में डालकर इमारतों में संरक्षित कर रहे हैं, पार्किंग लॉट की तरह। उन्होंने जगह बनाए हैं जहाँ लोगों को बक्सों में स्टोर किया जा सके। ये बक्सा आपकी दादी माँ का है, आप वहाँ जाकर फूल रख सकते हैं। एक मृत शरीर को संरक्षित करने का क्या मतलब है? उसे वापस जाना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई मतलब नहीं है। ये कर्ज है जो हमने लिया है, हमें इसे वापस डाल देना चाहिए जब हमारा काम हो जाए, है ना? So doing these kind of things is all coming from the ignorance of how life happens. तो इस तरह की चीजें हम जीवन घटित होने के बारे में अज्ञानता की वजह से करते हैं। जीवन, आप जानते हैं, अगर आप कार्बन शब्द बोलें तो हर कोई सोचता है वो बहुत बुरा है, कुछ जहरीला है, क्योंकि सोशल मीडिया में कार्बन को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन जीवन है, आप और मैं कार्बन जीवन है, ये पेड़ कार्बन जीवन है, हर पशु कार्बन जीवन है, है ना? ये पूरी दुनिया जीवन, जीवन के लिए मूलभूत सामग्री कार्बन पर आधारित है। और अभी जिसे आप जीवन कहते हैं वो एक स्तर पर एक पूरा कार्बन चक्र है। अगर कोई कड़ी है जो कुछ बना रही है, मान लीजिए मोटरसाइकिल में चेन है, आप जानते हैं इन दिनों ये चेन जो मोटरसाइकिलों में होती है, आधुनिक मोटरसाइकिलों में, ये हमें ज़्यादा परेशान नहीं करती। वरना जब मैं मोटरसाइकिल चलाता था तो हर 500-600 किलोमीटर पर आपको अपनी चेन चेक करनी पड़ती थी, क्योंकि वो ढीली हो जाती थी। अगर आप उसे वैसे चलाएंगे तो वो उतर जाती थी, आपके लिए मुसीबत पैदा करती थी, ठीक है? हर 600-700 किलोमीटर पर आपको इसे चेक करना पड़ता था। 1000 किलोमीटर पर आपको एक लिंक उतारना पड़ता था, क्योंकि वो पदार्थ ही ऐसा था।
आजकल आधुनिक चेन इस तरह से बनी होती है कि हमें चिंता नहीं करनी पड़ती, हम बस सवारी करते हैं। फिर भी आपको रखरखाव करना पड़ता है, लेकिन जब आप सिंगल ट्रिप पर होते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक चेन कोई भी चेन हो, एक चक्र है, उसी तरह कोई भी चेन उतनी ही मजबूत है जितना इसका कोई भी एक लिंक। आपको पूरी चेन तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बस एक लिंक तोड़ दें तो वो टूट जाएगी, ठीक है। इसी तरह फिलहाल ये चेन, कार्बन चेन चल रही है, ठीक है, जीवन के चलते रहने के लिए बस इसी तरह जीवन चलता है। लेकिन धरती पर खेती की मिट्टी जो चेन में एक बहुत बड़ा लिंक है, बहुत कमज़ोर हो गई है। अगर वो टूट गई तो जीवन अच्छा नहीं होगा। आप अपना खाना स्विगी पिगी जिससे भी आप पसंद करते हैं ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन किसी न किसी को उसे पकाना होगा, ठीक है। कोई भोजन को पका रहा है, डिलीवरी तंत्र वो आपको डिलीवरी नहीं करेगा। कोई भोजन पका रहा है, कोई भोजन उगा रहा है, डिलीवरी टेक्नोलॉजी ऐप पर हो सकती है। डिलीवरी को स्रोत समझने की गलती मत कीजिए। आप भोजन किसी फूड ऐप के कारण नहीं खा रहे हैं, आप भोजन किसी स्टोर की वजह से नहीं खा रहे हैं, आप भोजन अपने रसोई घर के कारण नहीं खा रहे हैं, आप भोजन सिर्फ मिट्टी के उपजाऊपन के कारण खा रहे हैं। अगर आप ये बात नहीं समझते तो हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दुर्भाग्य से पिछले 30-40 सालों में हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है और मिट्टी को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया है। Where 62% of India's soil has... जहाँ भारत की 62% मिट्टी में 0.5% से कम जैविक तत्व है, ये रेगिस्तान बनने के कगार पर है। हम UNCCD के साथ भागीदार हैं, जो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए UN एजेंसी है। ये अभी सबसे बड़ी चिंता है। दुनिया एक रेगिस्तान में बदल रही है। अगर लोग नहीं समझते कि वो कैसे रेगिस्तान में बदलती है, तो सऊदी अरब का मतलब है आप एक रेगिस्तान देखते हैं, ठीक है। 1000 साल पहले वो एक वर्षावन था। गुजरात, आप जानते हैं, एक समृद्ध वन था। राजस्थान एक वन था। जब सरस्वती नदी ऊपर बहती थी तो ये सब वन थे। जैसे ही वो सूख गई और कुछ चीज़ें बदली और लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है, ये सब कठोर रेगिस्तानों में बदल गए। यही होने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई कल सुबह आपके पड़ोस में रेत के टीले होंगे, बात वो नहीं है, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि ये बहुत रोमांटिक है। आप वहाँ जाकर एक गाना गाएंगे किसी फिल्मी गाने की तरह। खाद्य पदार्थों की उपज धीरे धीरे कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक से भोजन नहीं होगा, ये धीरे धीरे घटता है। आज भी आप सभी युवाओं के लिए जो समृद्ध हैं, जिनके पास खाने के लिए तरह तरह के भोजन हैं, मैं चाहता हूँ कि आप समझें, हर दिन आज भी 820 million पीपल गो टू बेड विदाउट फूड। इट्स एक्सपेक्टेड बाई 2032 नियरली 1.5 billion to 2 billion people will be going to bed without food. 82 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं। उम्मीद है कि 2032 तक करीब 1.5 अरब से 2 अरब लोग भूखे पेट सोएंगे। ऐसी उम्मीद है कि 2045 तक करीब 3 से 3.5 अरब लोग भूखे पेट सोएंगे। क्या आप यही करना चाहते हैं? और आपको क्यों लगता है कि आप नहीं होंगे? क्या गारंटी है कि ये आप नहीं होंगे? हम हमेशा सोचते हैं कि ये चीज़ें किसी और के साथ होती हैं। नहीं नहीं, ये आपके और मेरे साथ होंगी। मैं बहुत से इतिहासकारों की किताबें पढ़ता रहा हूँ, जैसे ग्राहम हैनकॉक और युवल नोआ हरारी की, और वे कहते रहते हैं कि कैसे इतिहास इतना गहरा है कि ये जानने का भी कोई तरीका नहीं है कि 10,000 साल या 20,000 साल पहले क्या हुआ था। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि शायद ऐसी सभ्यताएं थी जिन्होंने वास्तव में पर्यावरण की दृष्टि से कुछ गलत फैसले किए थे और प्रकृति माँ ने उसका बदला लिया। क्या आपको लगता है कि एक और चक्र है ठीक वैसा ही? देखिए, ऐसा हुआ है उस स्तर पर नहीं जैसा अभी हो रहा है, क्योंकि अब ये दुनिया भर में है। माया सभ्यता इसलिए ढह गई क्योंकि उन्होंने अत्यधिक खेती की। मेसोपोटामिया, 2 नदियों के बीच दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक, वो ज़रूरत से ज़्यादा खेती करने के कारण ढह गई। एक सभ्यता के रूप में रोम सबसे ज़्यादा खेती करने के कारण नष्ट हो गया, क्योंकि उन दिनों रेलवे या जहाज़ जैसी विशाल परिवहन प्रणालियाँ या ऐसी चीज़ें नहीं थीं। जब वे भोजन नहीं उगा पाते थे, वो शहर ध्वस्त हो जाता था। आप मुंबई में कोई भोजन नहीं उगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप दुनिया भर से भोजन मंगा सकते हैं। पर आपको क्या लगता है ये कितने दिनों तक काम करेगा? ज़रूरत का भोजन आपके पास ना उगे तो ये कितने दिनों तक काम करेगा? जब उस स्रोत के पास कमी आएगी तो वह आपको भोजन देना बंद कर देंगे। कई जगहों पर ऐसा हो भी रहा है। अगला सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो थोड़ा अशिष्ट लग सकता है, और मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं भी रूड हो जाऊँगा, नो प्रॉब्लम।
वो चलता है, आप रूड हो सकते हैं, लेकिन और मैं ये आपसे इस नज़रिए से पूछ रहा हूँ कि मैंने हाल ही में गरुड़ पुराण नाम की किताब पढ़ी है जो मृत्यु के बारे में बात करती है। ओ, आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए, है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं इसने मुझे अपनी मृत्यु के बारे में सोचने के लिए उकसाया और वो सब कुछ जो मैं अपनी मृत्यु से पहले करना चाहता हूँ। तो ये सारे अभियान जो आप शुरू कर रहे हैं, चाहे वो मिट्टी बचाओ हो, चाहे कावेरी कॉलिंग हो, क्या आप इसे इस नज़रिए से कर रहे हैं कि आप अगले 20-30 सालों में एक असर पैदा करना चाहते हैं? क्योंकि आप कुछ बहुत मुश्किल चीज़ें कर रहे हैं, जैसे 30,000 किलोमीटर की बाइक राइड। ये किसी के भी शरीर के लिए बहुत कठोर है। इसने मुझे ये सोचने के लिए मजबूर किया कि पहले तो सद्गुरु, ये एक दो तरफा सवाल है, मुझे बहुत खेद है अगर ये अशिष्ट लग रहा है, लेकिन मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ, क्या आप कभी अपने काल में अपने क्षण के बारे में सोचते हैं? और दूसरा, आप कैसे मेरे अपने समय के बारे में? मैं उस बारे में पूरी तरह सुलझा हुआ हूँ, पूरी तरह से। मुझे जीवन में ऐसी कोई चिंता नहीं है। क्या आप कभी उसके बारे में सोचते हैं? नहीं, क्योंकि मैं उस पल में फैसला करूंगा। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ मेरे साथ ऐसा होगा। आपको किस चीज का इंतजार है? हाँ? क्यों? आप पूछ रहे हैं कि मैं मरा क्यों नहीं हूँ? आपने अब तक उसे चुना क्यों नहीं? Wow, still the water is flowing. देखिए, अभी पानी बह रहा है। मेरे आसपास के लोग अब भी जानने और बढ़ने के लिए प्यासे हैं। अगर वो मेरे सामने थोड़ी बोरियत दिखाएं तो मैं चला जाऊंगा। उन्हें ये पता होना चाहिए। हाँ, 1,000 लोग मेरे लिए जो मेरे सामने बैठते हैं, अगर वो बोरियत दिखाते हैं, सोचते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, तो मैं चला जाऊंगा। फिर से ये थोड़ा अशिष्ट सवाल होने वाला है और मैं माफी चाहता हूँ हर किसी से। मैं देख रहा हूँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आश्रम गया हूँ, मैं कोयम्बटूर आया हूँ, मैंने सारा काम देखा है जो चल रहा है, मैंने हर किसी की ऊर्जा देखी है और वहाँ ढेर सारी अच्छी नीयत है, खासकर जब पर्यावरण की बात आती है। ढेर सारी अच्छी नीयत नहीं, सिर्फ अच्छी नीयत। यहाँ सिर्फ अच्छी नीयत है। और राजनीति की दुनिया के लोग, मीडिया की दुनिया के लोग, मैं ये भी कहूंगा कि देश का पूरा वामपंथ हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। मुझे लगता है कि वही लोग जो मुझे भी नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और मैं, मुझे जेन जी कहा जाता है, जो ऐसा है कि मैं शर्मिंदा महसूस करता हूँ। लेकिन आप जानते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। तो आप उन सबको किस तरह देखते हैं? आप उस स्थिति में क्या करते हैं जब आप इतना अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हों और लोग आपको गलत समझते हैं, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि मैं असल में ये अपने नज़रिए से पूछ रहा हूँ, अगर मैं कुछ सीख सकूँ। देखिए, अगर आप बिल्कुल स्पष्ट हैं कि आप जो कर रहे हैं वो आपके आसपास के हर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो दूसरे लोगों की राय कोई मायने नहीं रखती। लेकिन मेरा, मैं कह रहा हूँ, पिछले 30 सालों से भी ज़्यादा समय से वो वही चीज़ें कह रहे हैं। वो रचनात्मक भी नहीं है, वो कुछ नया नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है, वही चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन वो कहीं पहुँच नहीं पाए हैं क्योंकि उनके पास कुछ ठोस नहीं है, किसी चीज़ में कोई दमी नहीं है जो उन्होंने कहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो उस स्थिति में हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि हर डेली मिस्टेक कोट आता है, आप जानते हैं डेली कोट। All these people are just waiting. वो सब लोग बस इंतजार करते रहते हैं। अगर कोई चीज़ वो समझ नहीं पाते, अचानक वो सारे मिलकर उसे ट्विटर पर ट्रेंड कर देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हर रोज वो मेरे कोट पढ़ते हैं, यहाँ तक कि यहाँ मौजूद लोग भी उसे नहीं पढ़ रहे हैं। वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ठीक है। मैं कह रहा हूँ, हर दिन ध्यान से वो मेरा कोट पढ़ते हैं। जिस दिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, उन्हें लगता है मैंने कोई गलती की है, और वो बस शुरू हो जाते हैं। मैं खुश हूँ, मैंने जेलों में काम किया है, भारत और अमेरिका दोनों में। मैंने दुर्दांत अपराधियों के साथ काम किया है, जो हत्या, बलात्कार, सबसे बुरी चीज़ों के लिए जो आदमी कर सकता है वहाँ आते हैं। And I've seen significant transformation with, और मैंने उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखा है। सिर्फ 2 दिन या 5 दिन वो मेरे संपर्क में रहते हैं, इसलिए ये लोग लगातार मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वे बिल्कुल बदल जाएंगे। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। आप जानते हैं, ये सिर्फ उनकी राय की बात नहीं है सद्गुरु। मुझे लगता है कि अगर आप अपने मकसद के बीच में हैं, कई बार लोग, हाँ, दुर्भाग्य से इसे संभालने में काफी ऊर्जा, समय और संसाधन लगते हैं, लेकिन But देखिए, वो भी संदेश को आगे ही बढ़ाते हैं।
कैसा भी प्रचार अच्छा प्रचार है। मुझे नहीं लगता कि यह प्रचार है। मैंने कभी प्रचार की परवाह नहीं की। असल में लोगों को यह समझने में मुश्किल हो सकती है, मैं बहुत ही निजी व्यक्ति हूं। वाकई मैं सामाजिक इसलिए हूं क्योंकि मैं उन लोगों को अपना हिस्सा समझता हूं, सिर्फ उसी मायने में, वरना मैं किसी भी मायने में सामाजिक नहीं हूं। तो इसमें थोड़ा क्या कहें, आपकी तरफ से थोड़ा ज़्यादा, ये ऐसा है जैसे आप चल रहे हों और कोई आपके पैर पर लटक जाए, फिर भी आपको चलना है, आप चलते हैं, पर उनका वज़न कम है। तो ठीक है, मैं कहता हूँ वो जो भी 25 साल से कह रहे हैं वो एक भी बात साबित करके ये नहीं कह पाए कि ठीक है वास्तव में ऐसा हुआ था। लोग कब तक लगातार इस तरह के बकवास पर विश्वास करेंगे? धीरे धीरे वो अपनी पकड़ खो रहे हैं, वो मूर्ख महसूस कर रहे हैं। उनमें से कई लोग सकारात्मक तरीके से हमें फॉलो करने लगे हैं, कई पत्रकार जो सनसनीखेज पत्रिकाओं आदि से जिन्होंने हमारे बारे में ये सारी निंदाजनक बातें शुरू की थी, आज वो सब यहाँ भक्त हैं। बाकी लोग आ जाएंगे। आपके विचार से उस व्यक्ति का सफर क्या है जिसके दिल में इतना गुस्सा भरा है? देखिए, कुछ लोग वाकई गुस्से में हैं क्योंकि उनके अंदर कड़वाहट है उनके अपने जीवन से। हाँ, दुनिया में महत्वपूर्ण होने का अभाव। ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, वो खिलाड़ियों पर हमला करते हैं, वो अभिनेताओं पर हमला करते हैं, वो कलाकारों पर हमला करते हैं, कोई भी जो कामयाब है वो उस पर हमला करते हैं क्योंकि वो सफलता के खिलाफ हैं। वो सफल होना चाहते हैं लेकिन वो बार बार अपने जीवन में हर उस चीज़ में विफल हुए हैं जो वो करते हैं। अब कोई भी जो सफल है वह उसे नीचा दिखाना चाहते हैं। मुझे बताइए, किसे छोड़ा गया है? जीवन के किस क्षेत्र को बख्शा गया है? राजनेता जो चुनकर आते हैं वो उन्हें नीचा दिखाते हैं, खिलाड़ी जो बहुत सफल होते हैं वो उन्हें नीचा दिखाते हैं, आध्यात्मिक लोग तो हैं ही, ये चीज़ चल रही है। लेकिन वो सभी आध्यात्मिक लोगों को नीचा नहीं दिखाते अगर वो बेअसर हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हैं तो वो उन्हें नीचा नहीं दिखाते, वो उनसे असहमत नहीं होते, ठीक है? तो वो मुख्य रूप से आप देखेंगे किसी और की सफलता से चिढ़ते हैं जो उनके अपने जीवन में महत्व की कमी को दिखाता है। मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं ताकि वे आराम से रह सकें और जीवन के बारे में सकारात्मक हो सकें। सर, मैं एक देश के रूप में भारत के आगे बढ़ने को लेकर बहुत आशावान हूं। मुझे लगता है कि ये इस दुनिया में बदलाव लाएगा। कहते हैं कि भारत इस धरती की आध्यात्मिक राजधानी है, पता नहीं ये सच है या नहीं, मैं इस पर विश्वास करना चाहता हूं। आध्यात्मिक होने का एक बड़ा पहलू प्रेममय होना है और हम इस देश में काफी मैं बनाम तू देख रहे हैं। मैं बनाम आप सुलझाते हैं। आपसे किसने कहा कि आध्यात्मिक होना प्रेममय होना है? क्या ये प्रेम फैलाने के बारे में नहीं है? तो फिर एक कुत्ता ले आइए। कुत्ते वाकई आध्यात्मिक होते हैं, क्या आप यही कह रहे हैं? कुत्ते बहुत प्रेममय होते हैं। मेरा मतलब क्या, मुझे बताइए। हाँ या ना? हाँ, वो बहुत लविंग होते हैं। तो वो सभी आध्यात्मिक हैं? मुझे नहीं पता। आप हर समय पूछ लाते हैं और आप आध्यात्मिक हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन सर, हम इस देश को एकजुट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश पर बार बार हमले हुए हैं और इसे बर्बाद किया गया है इसी बांटो और राज करो की नीति के कारण। लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हम काफी मैं बनाम तुम करते हैं। अगले 20-30 सालों के लिए हम कैसे एकता के उस पहलू पर काम करें ताकि कारोबार बना सकें, अभियान चला सकें, मिट्टी बचाएं, पर्यावरण को बचाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश में पैदा होना हमारे लिए एक वरदान है और हम एक इकाई के रूप में इसकी कद्र नहीं कर रहे हैं। और काफ़ी सारा अहंकार है, काफ़ी सारा गुस्सा है, काफ़ी सारी नफरत है, खासकर महामारी के बाद। यहाँ आपकी क्या सलाह है? देखिए, डोंट जज द होल कंट्री बाय लुकिंग एट अ टेलीविजन स्क्रीन और अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। टेलीविजन के पर्दे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखते हुए पूरे देश के बारे में राय मत बनाइए। नहीं, ये यहाँ आसपास घूमिए, बस इस गांव में या शहर में घूमकर देखिए, आपको कोई भी गुस्से में नहीं मिलेगा। आप नहीं पाएंगे कि कोई किसी को पीट रहा है, ऐसा है नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है। कुछ घटनाएं होती हैं, 130 अरब लोग हैं, दुर्भाग्य से यहाँ वहाँ कुछ घटनाएं होती हैं, जाने जाती हैं, लोग घायल होते हैं, इससे निश्चित रूप से निपटना ज़रूरी है। उससे निपटने का कोई एक तरीका नहीं है। कानून का शासन हो, समाज में एक तरह की सद्भावना हो, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। ये रातों रात होने वाला काम नहीं है, इस चीज़ के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए।
जैसा कि आपने कहा, इतिहास ऐतिहासिक रूप से हमें बहुत से हमलों का सामना करना पड़ा है, बहुत बुरी तरह के हमले। हमने उसे बहुत अच्छी तरीके से लिखा नहीं है जैसे दूसरी संस्कृतियों ने लिखा है, लेकिन हम इससे गुजरे हैं और ऐसी मार झेली है जो दुनिया की बहुत कम आबादियों ने झेली है। सबसे क्रूर हमलों को हमने झेला है, लेकिन फिर भी हमने अपने अंदर कड़वाहट नहीं रखी है। हमारी यही चीज सुंदर है। लोग आए, हमें अधीन बनाया, हमें ऐसा महसूस कराया कि आप जैसे हैं आपको उस बात का भी टैक्स देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, लेकिन हमारे अंदर कड़वाहट नहीं है, ये एक बढ़िया चीज़ है। ठीक है, हम कड़वे नहीं हैं। कल जो हुआ उसके लिए हम में कड़वाहट नहीं है, लेकिन ये पक्का करना कि कल हमारे साथ फिर से वो ना हो, ये भी उतना ही जिम्मेदारी भरा है जिसके लिए हम अभी एक सशक्त देश बना रहे हैं। हमें ये पहले करना चाहिए था, 75 साल हो चुके हैं, लेकिन हम उसे कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन देश के आकार और देश की विविधता को देखते हुए मेरे ख्याल से मुझे लगता है हम बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि फिक्शन, फिल्में, कहानियाँ देश को एकजुट करने का अच्छा तरीका है? क्योंकि वही मेरी इकलौती उम्मीद है, या खेल वो दूसरी चीज़ है? बेशक, हमें हर माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ये नहीं मानता कि बस यही एक तरीका है। सब कुछ जो हम करें, हमें ये देखना चाहिए कि कैसे लोग अपनी छोटी सीमाओं से परे जा सकें और देखें कि कम से कम, अगर असीम नहीं तो कम से कम एक बड़ी सीमा हो जिसमें अधिकतर लोग समा सकें। तो अगर आप इसके लिए कोशिश ना करें तो आपका जीवन स्वाभाविक रूप से किसी न किसी चीज़ के साथ टकराव में रहेगा, व्यक्ति के कल्याण के लिए और समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत बड़ी पहचान हो जिसके साथ हम आगे बढ़ सकें। ऐसा हो रहा है, बस इतना है कि इसे ठीक से पेश नहीं किया जा रहा है। देखिए, महामारी के बाद, आपने महामारी का जिक्र किया, वो एक बहुत बड़ा आघात था, ठीक है, खासकर हमारे जैसे देश में आर्थिक कीमत बहुत ही ज़्यादा है, अधिकांश लोग ये नहीं समझते। मैं बहुत बड़ी तारीफ़ करता हूँ इस बात की, क्योंकि सबसे निचले स्तर के कर्मचारी से लेकर, मैंने देखा है, पुलिस कांस्टेबल से लेकर ग्रामीण अधिकारी से लेकर पंचायत नेताओं और राजनेताओं तक और राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों तक, इन 2 सालों में उन्होंने जो किया है, मैं वाकई उनके सामने सिर झुकाता हूँ। आप आलोचनाएं करते रह सकते हैं कि क्या ठीक नहीं हुआ, लेकिन हमारे जैसे देश में जहाँ बुनियादी ढांचा इतना कम है, जिस तरह हमने टीकाकरण किया और जिस तरह हमने लोगों का ख्याल रखा, कुछ चूके हुई हैं, लेकिन इतने कम बुनियादी ढांचे वाला इतना विशाल देश, इतने विशाल बुनियादी ढांचे और इतने विशाल फंड वाला अमेरिका, जरा उस देश को देखिए, वो अब भी हिले हुए हैं, अब भी हिल रहे हैं। आप जानते हैं, मैं जानता हूं आप, तो हम में से हर किसी को बहुत आभारी होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि किसने क्या किया। From the doctors, nurses, small, you know, police constables, everybody strived to manage this. डॉक्टरों, नर्सों से लेकर पुलिस कांस्टेबल, हर किसी ने इसे मैनेज करने की कोशिश की है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। 1.3 अरब लोग, ये आदमी एक भाषा बोलता है, वो आदमी दूसरी भाषा बोलता है, दर्जनों भाषाएं हैं। आप हर किसी से एक भाषा में बात नहीं कर सकते। किसी संदेश को कैसे पहुँचाया जाए, कैसे उनसे जिम्मेदारी से बर्ताव कराया जाए, यहाँ तक कि मास्क कैसे पहने। आप जानते हैं, लोगों की समझदारी का स्तर ये है, लोग जेब में मास्क लेकर चलते हैं, उन्हें लगता है कि ये ड्राइविंग लाइसेंस जैसा है। जब मैं उनसे पूछता हूँ आपका मास्क कहाँ है, आप इतना करीब आ रहे हैं, वो कहते हैं मेरे पास है सदगुरु, मेरी जेब में है, ये मेरी हिप पॉकेट में है। मैंने कहा, यह आपके कूल्हे पर काम नहीं करता, इसे आपको अपनी नाक पे लगाना होगा। मैं कह रहा हूँ, इस तरह के देश में असरदार तरीके से किसी महामारी को कैसे मैनेज करना और सफलतापूर्वक उससे बाहर आना, एक ऐसी फलती फूलती अर्थव्यवस्था होना जैसे अभी हमारी है, छोटी बात नहीं है। तो इसके लिए सिर्फ एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, किसी एक ने नहीं, हर किसी ने कोशिश की है। छोटे से छोटे आदमी से लेकर बड़े से बड़े आदमी तक, सभी ने कोशिश की है। हमें लगातार नकारात्मक टिप्पणियां नहीं करते रहनी चाहिए, देश को सराहें। अगर आप प्रशासन को नहीं सराह सकते तो देश को सराहें। हम फिर से पैरों पर खड़े हैं, है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। जी हाँ सर, शायद मैं आपसे अनगिनत सवाल और पूछ सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि समय कम है। मुझे आपसे 30,000 किलोमीटर की बाइक राइड के बारे में पूछना है, जो आप कर रहे हैं, जो मुझे आकर्षक लगती है।
विम हॉफ नाम के एक शख्स हैं, उन्हें आइसमैन कहा जाता है। वो प्राणायाम और योग के कुछ पहलुओं का इस्तेमाल मुख्य रूप से बहुत कम तापमान से निपटने के लिए करते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया विम हॉफ और उनकी क्षमताओं पर ध्यान देती है और अक्सर भारत के सभी योगियों की योग क्षमताओं को अनदेखा कर देती है। मैं विम हॉफ को अच्छे से जानता हूँ, मैंने उनसे बात की है, लेकिन मैं ऐसा कोई करतब नहीं करने वाला। लेकिन 30,000 किलोमीटर कोई मजाक नहीं है। 100 किलोमीटर में आपकी पीठ दुखने लगती है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि बाइक पर 30,000 किलोमीटर शायद ये योगियों जैसी पीठ के लिए एक अच्छा विज्ञापन होगा। How's that, huh? आपके सामने इस सफर के संदर्भ में दर्द पर आपकी राय क्या है, और आमतौर पर एक कॉन्सेप्ट के तौर पर दर्द के ऊपर? दर्द कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप नहीं जानते कि ये कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा दर्द दे सकता हूँ, आप जान जाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक जीवंत हकीकत है जब ये आपको होता है। हेलो, क्या दर्द को मन से नियंत्रण किया जा सकता है? देखिए, दर्द शरीर में होता है। देखिए, मान लीजिए ये पानी 9 से 10 इंच गहरा है, ठीक है, 9-10 इंच गहरा होगा, लेकिन आप पेड़ के ऊपर से छलांग लगाना चाहते हैं। अगर कोई दर्द ना होता तो आप ऐसा कर लेते? हाँ, अगर इससे आपका सिर फूट जाता फिर भी और कोई दर्द नहीं होता तो ढेर सारे लोग ऐसा करते। अभी एकमात्र चीज जो कम से कम आपको जीवित रहने के अर्थ में आपको समझदारी से बर्ताव करवाती है वो दर्द है। दर्द के बिना अधिकतर लोग ये भी नहीं जान पाएंगे कि जीवित कैसे रहना है। तो दर्द बहुत अच्छी चीज है, ये आपको मैनेज करता है। भावनात्मक दर्द भी? वो आप पैदा करते हैं, क्योंकि आप ट्रेजिक हीरो बनना चाहते हैं। मी? नो। देखिए, सिर्फ शारीरिक दर्द अस्तित्व के रूप में सच है। जो दर्द आपके मन और आपकी भावनाओं में है वो आप पैदा करते हैं। आप खुद को दुख देना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि आप एक व्यर्थ जीवन हैं। आपको गहन महसूस करने का कोई दूसरा तरीका नहीं आता है। दर्द आपको गहन महसूस कराता है। आप मुंबई से हैं, सिनेमा की दुनिया से, मैं कह रहा हूं दर्द के बिना कोई गहराई नहीं है, है ना? कोई कलाकारी नहीं। देखिए, लोगों को लगता है कि वो गहन है क्योंकि वो दर्द में है। नहीं, आप दर्द को गहराई समझने की गलती कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर ये भारी मात्रा में आए तो आप जान जाएंगे कि ये क्या है, ठीक है? ये आपको बर्बाद कर देगा, ये जीवन के टुकड़े टुकड़े कर देगा। दर्द आया ना, मनुष्य बर्बाद हुए हैं, जरूरी नहीं कि किसी तलवार या बंदूक से। वो बस अपनी ही भावनाओं और विचारों के कारण खुद को टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं। ज्यादा लोग किसी की तलवार या बंदूक की बजाय खुद ही खुद को नष्ट कर रहे हैं, अपने ही मन की तेज धार का इस्तेमाल करते हुए, है कि नहीं? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने कुछ बुनियादी चीजों को गलत समझ लिया है। आप नहीं जानते कि क्या असली है और क्या नहीं, क्या अस्तित्व की दृष्टि से सच है, क्या शारीरिक तौर पर सच है, क्या मनोवैज्ञानिक रूप से सच है। आपने इसे खो दिया है, आपने इसकी सीमाएं खो दी हैं। अगर आप इसे खो देंगे तो आप जो भी करें उससे दर्द होगा। मुझे एक चीज बताइए जिससे लोग दुखी नहीं है, एक चीज बताइए। देखिए, अगर वो गरीब हैं तो वो अपनी गरीबी से दुखी हैं, अगर आप उन्हें अमीर बना दें तो वो टैक्स से दुखी हो जाते हैं। हाँ, अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो उससे दुखी हैं, उन्हें स्कूल में डालो वो उससे दुखी हो जाते हैं। शादी नहीं हुई है उससे दुखी हैं, शादी करा दो। बात ही मत कीजिए। बच्चे नहीं है वो उससे दुखी हैं, बच्चे दे दो, रोज का दुख। हाँ, तो ऐसा लगता है जैसे आप जीवन के हर पहलू से दुखी हैं। तो हम आपको मृत्यु दे देते हैं, ओह वो उससे भी दुखी हैं। तो दुख जीवन के हालातों के कारण नहीं है, दुख इसलिए है क्योंकि आप नहीं जानते कि खुद को मैनेज कैसे करना है। आप नहीं जानते कि अपने मन, अपनी भावना, अपनी ऊर्जा, अपने जीवन को कैसे मैनेज करें। आप नहीं जानते कि मैनेज कैसे करना है तो सब कुछ दुख बन जाता है। शारीरिक दर्द एक अलग चीज है। शारीरिक दर्द किसी संपर्क या बीमारी या चोट या किसी चीज के कारण होता है। उसमें बेशक हमें देखना चाहिए कि अपने जीवन में उसे कम से कम कैसे रखें। मच्छर आपको काटता है, ठीक है,
लेकिन आपको भालू से कटवाने की जरूरत नहीं है, आपको उससे बचना चाहिए। आप बाइक की सवारी के दर्द को क्यों झेल रहे हैं? ऐसा आपका मानना है कि ये दर्दनाक है? ये रिस्की है, दर्दनाक नहीं रिस्की। एक चीज ये कि मैं सर्दियों में बाइक चला रहा हूँ, यूरोप की सर्दी, उत्तरी यूरोप की सर्दी, जहाँ बर्फबारी हो रही है, शायद सड़कें बर्फीली हैं। बर्फीली सड़क पर दोपहिया चलाना कोई मजाक नहीं है, ये रिस्की है। फिर मैं अरब आ रहा हूँ, जहाँ तापमान 38 से 40 डिग्री के बीच में है, मैं वहाँ बर्फ़ की तरह पिघल सकता हूँ। फिर मैं भारतीय मानसून के चरम पर भारत आ रहा हूँ, क्यों मेरे जैसा कोई आदमी क्यों? मैं अच्छा जीवन जी सकता हूँ क्योंकि मैं जहाँ भी जाऊँ लोग मेरा ख्याल रखेंगे। दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, सबसे रोमांचक जगह जो आपके दिमाग में आती है, अगर मैं कहूँ कि मैं एल्प्स माउंटेन में रहना चाहता हूँ, लोग मेरे लिए वहाँ घर बना देंगे। मेरी जेब में $1 भी होना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं हिमालय में रहना चाहता हूँ, तो कोई मेरे लिए एक बढ़िया सी जगह बना देगा। अगर मैं कहूँ कि मैं समुद्र में रहना चाहता हूँ, तो कोई मेरे लिए एक बड़ा सा यॉट खरीद देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से आराम से जी सकता हूँ। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी युवा लोग ये समझें, अगर हम ये अभी नहीं करेंगे तो हमें बहुत पछतावा होगा, और आपका ये जनरेशन जी लेबल कम से कम आधी आबादी के लिए सच हो सकता है। अगर पूरी आबादी के लिए नहीं, तो आधी आबादी के लिए सच हो सकता है। आप मुझे जहाँ भी रख दें, मैं, क्योंकि मैं कभी आराम के पीछे नहीं गया, मैं जंगलों में सोया हूँ, मैं पेड़ों पर सोया हूँ, मुझे सिर से पांव तक कीड़ा मकोड़ों ने काटा है। आप जानते हैं, मैं जंगल में रहने के 2-3 सप्ताह बाद वापस आता तो लोग मुझे पहचान नहीं पाते थे, सिर से पैर तक कीड़ों के काटने की वजह से। आप मुझे पहचान नहीं सकते, मेरा चेहरा ऐसा हो जाता था, पर मुझे दुख नहीं हुआ। तो मैंने कभी आराम नहीं चाहा, इसलिए मैं कभी दुखी नहीं हुआ। लेकिन मैंने एक बहुत ही दिलचस्प और तीव्र जीवन जिया है, और जीवन का मेरा अनुभव ऐसा है कि मैं ब्रह्मांड की किसी भी चीज़ के साथ इसकी अदला बदली नहीं करूँगा। आप मुझे कुछ भी दे दें, आप मुझे सोने का पहाड़ भी दे दें, मैं उससे भी नहीं बदलूँगा। हाल ही में मैं अमेरिका में लॉस एंजल्स में था, एक शख्स आया और मुझसे मिलने की इच्छा जताई। उसके पास कुछ दिखाने के लिए एक प्रेजेंटेशन थी। मैंने कहा किस बारे में? बोला हमारी ऑनलाइन प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ वो प्रेजेंटेशन करना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, मुझे दिखाइए क्या है। फिर वो प्रेजेंटेशन के साथ आया और दिखाया वो सब चीज़ें जो यूट्यूब पर हैं, इन सारी चीज़ों, चैनलों, प्लेटफॉर्म पर, वो सब जो हैं, सारा हिसाब किताब उसने दिखाया। सदगुरु, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सारी सामग्री पैकेज कर सकता हूँ, और आज इसकी कीमत लगभग $2.7 अरब है। मैं इसके लिए आपका पैकेज बना सकता हूँ और आपको कुछ अगले सालों में इतने पैसे दिला सकता हूँ। I said, what do I do with $2.7 billion? Get me 8 billion people, that's what I'm looking for. मैंने कहा मैं $2.7 अरब का क्या करूँगा, मुझे 8 अरब लोग दिला दीजिए, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। अभी मिट्टी बचाओ अभियान के लिए मुझे 3.5 अरब लोग दिला दीजिए, काम हो जाएगा, वो कीजिएगा। अगर आप मुझे 25 लाख अर्थबडीज दिला दें तो मैं आपको राइड पर ले जाऊँगा, मोटरसाइकिल पर, आपकी पीठ नहीं दुखेगी, मेरा विश्वास कीजिए। चुनौती स्वीकार की। हाँ, बिल्कुल। सदगुरु धन्यवाद। शायद सिर्फ एक आखिरी स्वार्थी सवाल, क्योंकि मुझे हर समय ये मौका नहीं मिलता, क्या आपके पास कोई सलाह है मेरे लिए या इस शो के जरिए हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए? मैं जानता हूँ कि इन सवालों से आपको एक तरह से इसका सार मिल गया होगा, लेकिन मेरी टीम और मेरे लिए कोई आखिरी सलाह? देखिए, हर पीढ़ी को उन चीज़ों के लिए याद किया जाता है जो वो करते हैं, है ना? देखिए, अभी 15,000 साल बाद हम अब भी आदि योगी की बात कर रहे हैं, क्यों आपको लगता है? क्योंकि वो लंबे और खूबसूरत थे, ऐसा कुछ? नो, वी टॉकिंग अबाउट हिम बिकॉज ऑफ द ऑफरिंग्स दैट ही मेड टू अस, व्हिच इज स्टिल रिलेवेंट टू अस, इजंट इट? यू रिमेंबर अ ह्यूमन बीइंग थ्रू हिस्ट्री? नहीं, हम उनके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो हमें उपहार दिए वो अब भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं, है ना? आप किसी इंसान को इतिहास के जरिए याद करते हैं क्योंकि उसने कुछ भयानक किया हो, फिर आप उसे गलत तरीके से याद करते हैं, या उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जो हमारे जीवन के लिए अब भी फायदेमंद है। एक पीढ़ी के रूप में हमारे पास ये अवसर है, ये एक बार मिलने वाला अवसर है। अगले 10 से 15 साल के समय में अगर हम अभी अगले 1-2 साल में नीतिगत बदलाव ले आए तो ये स्वाभाविक रूप से असर दिखाएगा।
अगले 10 से 15 साल में हमें एक ऐसी पीढ़ी के रूप में याद किया जाएगा जिसने दुनिया को बदल दिया। वो नीचे की ओर एक विनाशकारी जगह पर जा रही थी और हमने उसकी दिशा बदल दी। हमें उसके लिए याद किया जाएगा। आपको मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे परवाह नहीं है आप मुझे याद करें या ना करें। लोग मुझसे पूछते हैं, सदगुरु आपके बाद आप कैसे चाहते हैं कि लोग आपको याद करें? मैंने कहा, अगर वो सिर्फ मेरे बारे में सोचते हैं तो जाहिर है कि वो बुरा जीवन जी रहे हैं, ठीक है। अगर वो मेरे मरते ही मुझे भूल जाते हैं, इसका मतलब है कि मेरा काम सफल रहा। वो अच्छा कर रहे हैं, वो बढ़िया जी रहे हैं। आपको हमेशा लगता है कि लोग कृतज्ञता के कारण भूलते हैं। नहीं, वो खुशी है जो लोगों को भुला देती है। पता है, जैसे एक बहुत ही बुद्धिमान महिला ने कहा है, वो उसकी दो जुड़वा बेटियां थीं, उसने उनकी शादी कर दी, वो अलग अलग दिशाओं में अपने हनीमून के लिए गईं। एक लड़की जो बहुत प्यारी अच्छी लड़की थी, उसने कभी संदेश नहीं भेजा, कभी चिट्ठी नहीं भेजी, कुछ नहीं। 2 महीने हो गए, उसने कोई संदेश नहीं भेजा। दूसरी लड़की, हर दूसरे दिन वो संदेश भेजती थी, माँ को फ़ोन करके बात करना चाहती थी। तो किसी ने आकर पूछा, आपकी लड़कियाँ कैसी हैं? उसने कहा, संदेश न भेजने वाली लड़की के बारे में कहा, एक वाकई ठीक है, दूसरी को लगता है, दूसरी लगता है उसके पति के साथ कुछ परेशानी है, ठीक है। जो खुश है वो पलटता नहीं है, जो वाकई आगे और तेज़ी से बढ़ रहा है रियर व्यू मिरर में नहीं देखेगा, ठीक है। तो मैं याद नहीं रखा जाना चाहता। एक पीढ़ी के रूप में यह संभव है। देखिए, उदाहरण के लिए इस देश में आज भी हम हमेशा आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं, ठीक है। वो पीढ़ी इस देश के लिए लड़ी, शायद अगर आप वहाँ होते तो आप भी लड़े होते, ये एक अलग बात है, लेकिन आप वहाँ नहीं थे। कोई लड़ा, हम हमेशा उन्हें याद करते हैं, है ना, हमेशा याद करेंगे। 75 साल हम अब भी उन्हें याद करते हैं। I'm telling you, even if it's 500 years, मैं आपको बता रहा हूँ, 500 साल बाद भी हम उन लोगों को याद करेंगे जो इस देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, हाँ है ना। इसी तरह अभी सारे तथ्य अभी सामने नहीं आए हैं, हम कई रूपों में इसे सामने लाएंगे। कितने रूपों में हम आपदा के कगार पर हैं, पर हमारे पास उसे पलटने का मौका है। आपको जाकर मिट्टी को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपनी आवाज़ ऊंची और स्पष्ट करनी है कि पर्याप्त लोग, पर्याप्त लोग मतलब दुनिया के 60% मतदाता वर्ग को आवाज़ उठानी चाहिए। 3.5 अरब लोगों को 100 दिन तक मिट्टी की बात करनी चाहिए, 21 मार्च से 100 दिनों तक। ऐसा कीजिएगा, मैं ये पक्का करूँगा कि दुनिया की हर सरकार मिट्टी से जुड़ी नीतियों को अपनी नीति व्यवस्था में शामिल करे। मैं ये करूँगा क्योंकि मेरे पास इसकी पूरी व्यवस्था है। UN एजेंसियाँ हमारे साथ में हैं। मैं आइवरी कोस्ट में 170 देशों को संबोधित करते हुए COP15 में बोलने वाला हूँ। हम ये करेंगे, लेकिन लोगों को साथ होना चाहिए। If people don't care, अगर लोग परवाह नहीं करते तो सरकार कुछ क्यों करेंगी? क्योंकि सरकार सिर्फ लोगों के जनादेश को असर में लाने के लिए हैं, है ना। अगर लोगों का जनादेश इन चीज़ों के बारे में नहीं है तो वो इसे असर में क्यों लाएंगे? ये जिम्मेदारी आपकी है। अपना वाईफाई और थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कीजिएगा, उससे मदद मिलती है। धन्यवाद सतगुरु, नमस्कारम, आपको प्रणाम करता हूँ और एक बार फिर ये अवसर देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।